विजय लक्ष्मी, आपकी तो ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जो भी कांग्रेस नेताओं से बात होती है, उन्हें क्या लगता है कि राहुल गांधी का संसद में बैठना या राहुल गांधी का संसद के बाहर कांग्रेस के लिए खड़े रहना, दोनों में से क्या ज्यादा मुफीद है? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा ताकत इकट्ठी करता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बार बार लगातार कोशिश ये कर रही है कि ये जो पॉलिटिक्स है ये उनको टारगेट करने की कोशिश है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार अपने सुर बुलंद करते रहते हैं। राहुल गांधी एकमात्र मुखर आवाज़ है विपक्ष की। तो कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये सारा जो है एक पोलिटिकल विच हंट है अगेंस्ट उनके उनके नेता के खिलाफ। तो ऐसे में एक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ज़रूर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है इसके अराउंड, लेकिन राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई अगर हो जाते हैं और आगे भी जाकर भी अगर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में 2 साल का अगर आपका डिस्क्वालिफिकेशन है तो आप 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और 2 साल की उनकी सजा है, तो कुल मिलाकर के 8 साल का वक्त वहां पर हो जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जरूर उनको ये एक धड़े को यह भी लगता है कि शायद राहुल गांधी कोई सिंपथी जनता की गेन कर पाए कि एक व्यक्ति है उसको सरकार द्वारा या सत्तारूढ़ दल द्वारा जो है वो बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन यहां पर क्योंकि कोर्ट है, न्यायिक प्रक्रिया है, ऐसे में वो नैरेटिव कितना असरदार साबित होगा ग्राउंड पर जाकर के ये कहना अभी बेहद मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस के एक सेक्शन को जरूर लगता है कि ये सिंपथी का नैरेटिव वो बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही कांग्रेस पार्टी बात ये भी कर रही है कि हम अपनी लड़ाई जो है हर कानूनी जो अवेलेबल होगा ऑप्शन उसको हम कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको अवेल करेगी, क्योंकि लंबी प्रक्रिया है ये और अभी जिस तरह से आज अपील खारिज हुई है राहुल गांधी की, क्योंकि काफ़ी समय कांग्रेस पार्टी ने अपील में जाने में भी लगाया तो वहां पर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि बैटरी ऑफ लॉयर्स है कांग्रेस पार्टी के पास। देश के नामचीन लॉयर्स की बात करें तो सारे नामचीन लॉयर्स कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत समय लगा कांग्रेस पार्टी को अपील में जाने के लिए। लेकिन कांग्रेस के लीगल जो ल्यूमिनरीज हैं वो कहते हैं एक बार इसके लीगल ऑप्शंस पर एक-एक जी विजय लक्ष्मी, देवेंद्र निर्णय, हम इसके लीगल ऑप्शन पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले जो बात देवेंद्र अभी विजय लक्ष्मी ने कही एक नैरेटिव की बात है, तो नैरेटिव एंटी गवर्नमेंट खड़े होने चाहिए थे, नैरेटिव जो है वो विषयों के आधारित होने चाहिए थे, लेकिन इस पूरे जो अगर हम कहें घटनाक्रम में ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी खुद एक केंद्र बन गए हैं चर्चा का, बजाय इसके कि वो मुद्दे जो उठाते वो चर्चा में शामिल किए जाते। और मीनाक्षी, अगर नैरेटिव की बात करें तो अभी तक जो दिख रहा है वो कांग्रेस पार्टी के ख्यालों में हो सकता है, उनके बयानों में हो सकता है, ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। और ये इस वजह से कहा जा सकता है और उसे इसी रूप में समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की सजा के बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ था, उस पूरे प्रदर्शन को अगर आप विजुअल उठाकर देखें तो कोई भी प्रदर्शन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें कोई मासी भीड़ इकट्ठा हुई हो, 100 से 150 लोग मुश्किल दिखते थे। तो जाहिर तौर पर इसमें एक बड़ी समस्या है कि फिर कौन सा नैरेटिव सेट हो रहा है अगर आम जनता उस नैरेटिव से अपने आप को नहीं जोड़ पा रही है। दूसरी चीज कि इसमें किसी को भी ये बात समझ में आ जाएगी आसानी से कि आपको नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए सजा नहीं दी गई है, बल्कि आपको कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने के लिए सजा दी गई है। और वहां पर जो कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव है बीजेपी के नैरेटिव के सामने इतना आसानी से चटक रंग नहीं ले पाएगा, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को आपने देखा होगा कि पूरी ओबीसी की फौज उतर गई थी और बार बार ये कहा गया, देश भर में अलग अलग कॉन्फ्रेंस किए गए और बयान दिए गए कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने ओबीसी कम्युनिटी का अपमान किया है। लेकिन देवेंद्र, राहुल गांधी के पक्ष में उनके कांग्रेस शासित प्रदेश के 2 ओबीसी मुख्यमंत्री भी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है जिस पार्टी से 2-2 मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, निर्णय इस पर आप जवाब दीजिएगा, वो पार्टी का नेता ओबीसी विरोधी कैसे हो सकता है? देखिए, ये राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अदालत का पक्ष देखें जिसको बीजेपी आधार बना रही है, उसमें वजन इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि अदालत ने अपने जजमेंट में इस बात को माना है कि जिस मोड़ वणिक समाज की अवहेलना का, जिस मोड़ वणिक समाज के अवमानना का ये मामला था, उसकी फीलिंग आहत हुई है, उसकी फीलिंग जो है वो हर्ट हुई है। ये बात पूर्णेश मोदी, जो बीजेपी के विधायक भी हैं और मोड़ वणिक समाज से आते हैं, वो इस बात को अदालत में एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए हैं। रही बात राहुल गांधी के विक्टिमाइजेशन की, इस पूरे मामले के आधार पर आपने देखा, भले ही ओबीसी मुख्यमंत्री खड़े हो गए हों या पूरी कांग्रेस की फौज खड़ी हो गई हो, बाद में कहीं ना कहीं उस वक्त उन्हें लग रहा था, उस पर्टिकुलर पीरियड की अगर हम बात करें जब ये जजमेंट आया था मार्च के महीने में, आपने देखा होगा जिस प्रकार से
संसद में माहौल बना हुआ था, जिस प्रकार से अदानी के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी हावी होने की कोशिश कर रहे थे, यूके में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के अपने विक्टिमाइजेशन की एक दुहाई देकर के वो जनता के सामने गए थे, तो कांग्रेस को ये लग रहा था कि इन सारे मुद्दों के साथ अगर ये मुद्दा भी जोड़ दिया जाए तो विक्टिमाइजेशन का जो कार्ड है वो अपने कल्मिनेशन पर ले जाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये जो स्ट्रेटजी है ये वर्क करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आप वो बाकी सारे मुद्दे भी अगर देखें तो वो भी फेड हो चुके हैं, वो भी इस वक्त कहीं फोरफ्रंट पर नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए लग रहा है कि और यही बिंदु मैं उठा रही थी निर्णय कि जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे लेकर राहुल गांधी चलते थे, आज ये तीनों मुद्दे पीछे हो गए और राहुल गांधी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, आज यही मुद्दा चर्चा के केंद्र में रह गया है। सुरत फैशन कोर्ट से कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, जरा वो भी एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। आज कोर्ट ने स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, जो मनाई अर्जी थी हमने कन्विक्शन पे राहुल जी ने मनाई डिमांड करी थी, मनाई रिक्वेस्ट करी थी, वो कोर्ट ने सिंपल रिजेक्ट कर दी, कोई रीजन नहीं दिया है कोर्ट ने, रीजन कोर्ट शाम को देगी। तो शाम तक का इंतजार, निर्णय अभी हमें और करना होगा, शाम तक का वक्त लगेगा डिटेल ऑर्डर आने में, इससे जुड़ी हुई क्या कोई और जानकारी जो कोर्ट के हवाले से आपको मिल पाई हो या वकीलों के हवाले से आपको मिल पाई हो? देखिए, हमारी जो बात हो पाई है कुछ वकीलों से, उसके आधार पर बताया गया कि अभी कोई डिटेल्ड ऑर्डर तो नहीं आया, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस हैं जज के वो शाम को ही पता चल पाएंगे, लेकिन जो आर्गुमेंट्स हुई थी 13 अप्रैल को इस मामले में, उसमें जिस प्रकार से पुर्णेश मोदी के वकील की तरफ से, कंप्लेनेंट के और सरकार के वकील की तरफ से जो आर्गुमेंट किए गए थे, राहुल गांधी के सांसद होने का जो हवाला दिया गया था और बताया गया था कि एक सांसद यदि इस प्रकार के प्रेसिडेंट सेट करेगा तो जनता में क्या मैसेज जाएगा, और यही जजमेंट का भी आधार था लोकल कोर्ट के, तो उन्हें यह लगता है कि शायद इस आर्गुमेंट को जज ने इस पर तवज्जो देते हुए ही ये जो अर्जी है उसको खारिज किया है, शायद इस वजह से इस मामले की गंभीरता को उन्होंने समझते हुए ही ये फैसला दिया है। लेकिन जब तक जज के आर्गुमेंट ऑब्जर्वेशंस नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ भी कॉन्क्रीट तौर पर कह पाना ज़रा मुश्किल होगा। मीनाज, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।